सौ लीटर वाला से भी पचास हजार मांगता है, दो गाठ कपड़े से भी पचास हजार मांगता है, दो बुरी चालिया वाला से, बलूचिस्तान पर क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। 150 रुपए का डीजल है, 1000 रुपए किराया पैसेंजर का। ये साबित किया कि लोग कितने तंग हैं, कितना लोगों को ज़हनी अज़ियत का शिकार किया हुआ है, वो अपना माली नुकसान के लिए तैयार है। हमने कर्नल का पास भी किया, हमने कर्नल का पास भी किया, मेजर का पास भी किया, एजी का पास भी किया, ब्रिगेडियर का पास भी किया, ये बात हमने उधर रखती है। इसने चूर बनाया, 200 लीटर वाला से भी 50 हजार मांगता है, दो गाठ कपड़े से भी 50 हजार मांगता है, दो बुरी चालिया वाला से, बलूचिस्तान पर क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। 150 रुपए का डीजल है, 1000 रुपए किराया पैसेंजर का। हाजी आप बहुत पुराने और बड़े ट्रांसपोर्टर हो, हमने 1985 से बस इधर चला था। इनका डीजी से मुलाकात किया, यहाँ पे बैठे कर्नल से मुलाकात की, मुलाकात हाल नहीं निकला, कुछ चल नहीं निकला, वो हमारा बात नहीं सुना। अभी बिंदर हमने आपको बताया, उसने आपको बताया कि आपको बस ये रोड पर लाओ, खड़ा नहीं करो, हम अपना बसों के लिए नहीं, सारा ट्रांसपोर्ट के लिए खड़ा है। अजी अभी बिंदर के इंतजामिया वाले आए थे, अभी वो बात हुई थी, डीसपी भी आया, पुलिस वाला, सीएचओ भी आया, तहसीलदार भी आया, सब सबको हमने बोल दिया कि भाई ये चेक पोस्ट गैर कानूनी है, हमारा ट्रांसपोर्ट भी वजीर आला ने भी खत्म किया हुआ है, कल आज भी खत्म है। अच्छा, ये हम लोग तंग कर रहे हैं, हजारा नहीं छोड़ता है, पठान नहीं छोड़ता है, अफगानिस्तान वाला नहीं छोड़ता, चुपी सजे हुए बेशक रूल लाओ। पीछे आपकी बस दिख रही है जो जल रही है, उसकी धुएं हम देख रहे हैं, आवाम देख रही है। आप ये बताएं कि कल का जो ये वाकया पेश है जिसकी वजह से आपने गाड़ी को आग लगाई थी, जाजा गाड़ी तो एक वाक्य लगाया, शाम तक 15 को लगाया गया, अपना जान को भी हाथ लगाएगा। आपका मुतालबा क्या है, ट्रांसपोर्टर दूसरे भी पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी आपके साथ? हाँ बिल्कुल, हमारा बिल्कुल पीछे चलता है। तो आपको उन सूबों में भी मसले हैं या खाली इस सूबे में? नहीं नहीं, खाली इसमें इस रस्ते पर है, नसार अगलावर तक जाओ चेक पोस्ट नहीं है, पेशावर तक जाओ चेक पोस्ट नहीं है, मुल्तान तक जाओ चेक पोस्ट नहीं है, खाली बलोचिस्तान, कोयटे, कराची का ये कैसे चेक पोस्ट है? ये भी अलग खड़ा है, पुलिस अलग खड़ा है, एफसी अलग खड़ा है, अभी इधर से निकल जाए कराची तक क्रिमिनल 4 चेक पोस्ट है, रंजर है, किस्टम है, एफसी है, तंग कर रहा है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे इधर पैसेंजर खड़ा है, जनानी है, बीमार है, अभी आज कितनी तकलीफ है, बस गोली मारो, जल गया नहीं जल गया तो बंदों की कितना तकलीफ है। जी आप जो यहाँ आप बिंदर नाका खाड़ी में आप खड़े हैं, यहाँ आपका जो अभी इस वक्त जो इत्तेजाज है, जो आपका जो मुतालबा है, वो सिर्फ कोस्ट गार्ड हुकाम से है? खाली कोस्ट गार्ड के लिए ना, हमारे साथ आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये चीज चेक पोस्ट गैर कानूनी खत्म। चंद दिन पहले नाकाकारी जो लसबेला में कोस्ट गार्ड का चेक पोस्ट है, इस हवाले से कई दिनों से हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात, हमारे कारोबारी हजरात शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर लोगों की तजलील की जाती है, हमारे गाड़ियों को रोक कर आवाम को तंग किया जाता है, कारोबारी हजरात को तंग किया जाता है, उनको कारोबार, जायज़ कारोबार नहीं करने दिया जाता। तंग करने का हद देखें कि हमारे एक कोच मालिक ने, हमारे एक भाई ने इस नाकाकारी चेक पोस्ट पर अपना बस, अपना कीमती करोड़ों मालियत का बस को जलाकर ये साबित किया कि लोग कितने तंग हैं, कितना लोगों को ज़हनी अज़ियत का शिकार किया हुआ है, वो अपना माली नुकसान के लिए तैयार है।